खा रहे हैं। अगर यहाँ चकबंदी हो जाती तो आज यहाँ का नौजवान प्रवास में इस तरह की दर दर की ठोकरें न खाता, 8-10 हजार की नौकरी न करता, वो आराम से यहाँ पे बैठकर खेती बाड़ी से जो है अपना गुजर बसर कर सकता था और उत्तराखंड पलायन की ये बात न सहता।